हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मेरा नाम है राजू कटवाल, आप देख रहे हैं राज टेलर्स। तो दोस्तों, पीछे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर आप कोट की स्टिचिंग पूरी फिर से करना बताइए और अच्छे से वीडियो बनाइएगा। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कोट की फ्यूजिंग करना और दो तरीके से फैशन कटिंग करना बताऊँगा। तो दोस्तों, जिस बंदे को कोट की स्टिचिंग सीखनी है वो बंदा वीडियो को पूरा देखेगा और अच्छे से देखेगा। जिस बंदे को नहीं देखना वो वीडियो को ओपन ही मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप वीडियो को मत देखिएगा। जिसको देखना है, कोट की सिलाई सीखनी है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने दो तरीके से इस वीडियो में कोट के फैशन कटिंग करना बताया है। आप बताइएगा कि मैं किस फैशन पे कोट को पूरा स्टिचिंग करना बताऊं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कोट की मार्किंग उठाना कि कौन कौन से मार्के उठाने हैं आपको, और इसके बाद में कैसे फ्यूजिंग कटिंग करनी है और कैसे चिपकानी है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे कोट का सामना है। अब इस पे देखिए, आपको पहले तो सामनों को एकदम से बराबर कर लेना है दोनों को। इसके बाद में आपको जो वेल्थ पॉकेट के मार्किंग की हुई है, इनको ऐसे कैंची की नोक से हल्का सा दबाना है, और ऐसे जो अब प्लेट रहेगी सामने में उसको, और यहाँ पे पॉकेट रहेगी, इसको ऐसे हल्का सा दबा लेना है कैंची की नोक से। और इसके बाद में इस साइड में वेल्थ पॉकेट के लिए जो मार्किंग उठाई है वो लगा लेनी, और ये प्लेट के लिए ये मार्किंग उठा लेनी है। अब यहाँ पे जहाँ पे पॉकेट है वो, और जो प्लेट है वो, ये मार्किंग उठानी है आपको। आप चाहो तो सुई धागे की मदद से भी कच्ची डाल सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कच्ची नहीं सुई धागा से डालेंगे, अपने सीधा सिंपली ही मार्किंग करके छोड़ लेंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे ये फ्यूजिंग है कोट के लिए। अब इसमें से मैं फ्यूजिंग कटिंग करूँगा और इसके बाद में आपको इसको चिपकाना भी बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से कोट को फ्यूजिंग कटिंग करते हैं, किस तरीके से चिपकाते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा बस। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग को सही कर लिया है। अब इसके ऊपर कोट का सामना रख रहा हूँ। अब इससे अपने फ्यूजिंग कटिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग कटिंग करने के बाद में इसको चिपकाना। दोस्तों, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको कोट बनाने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है आपको। तो दोस्तों, ये इस तरीके से फ्यूजिंग के ऊपर आपको सामना रखना है। इसके बाद में बिल्कुल बराबर में प्रॉपर में सही करते हुए कटिंग कर लेनी है। इस साइड में एक बार बिल्कुल बराबर में कटिंग कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे करते हुए। दोस्तों, अब नीचे जितनी अपने कोट की लंबाई, यानी कि जहाँ तक तैयार करना है कोट को, उतना ही फ्यूजिंग कटिंग करना है नीचे में, और इस साइड में आर्महोल की साइड में बिल्कुल बराबर में कर लेनी है इस तरीके से। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे इस साइड की ऐसे लगभग आपको एक इंच हटाते हुए पीछे तक ही फ्यूजिंग कटिंग करनी है, और यहाँ पे जो नीचे मार्का है सीधा जहाँ तक अपने कोट की लेंथ तैयार करनी है वहाँ तक ही कट करनी है फ्यूजिंग को। अब दोस्तों, इस तरीके से फ्यूजिंग कट करने के बाद में आपको ऐसे पहले यहाँ पे देखिए जो ठुका रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है, सिंपली 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है, और ऐसे आप एक कट लगा लीजिएगा। दोस्तों, 1.25 इंच की लगाई है मार्किंग, तो 3 सूत कट जाएगा इसमें, तो आप देख लीजिए कितना तैयार होगा, यानी कि 1.5 इंच से 1 सूत कम तैयार होगा। अब दोस्तों, जो मार्किंग है उसके बिल्कुल बराबर करते हुए इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इतना और कटिंग होगा तो यहाँ पे मैं और कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, नीचे से ये बिल्कुल सीधा प्रॉपर सही कट है। अब दोस्तों, जो यहाँ पर ठुक्का है, जो अपने 1.25 इंच पर कटिंग की है, इस पे अब ऐसे आपको जितना मार्जिन लेना है कोट में उतना रखते हुए कट कर लेनी है पेस्टिंग का, जो फ्यूजिंग है उसको इतना कट कर लेना है। और सामने में दोस्तों, इस तरीके से आपको लगभग 3 सूत पेस्टिंग कटिंग करनी है, जितना कि अपने कोट में सामने में लेते हैं मार्जिन दबाने के लिए, इतना ही कट करना है, इससे ज़्यादा कट नहीं करना है दोस्तों, लगभग 3 सूत ही कट करना है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, इस तरीके से सही से करते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेनी है।
दोस्तों मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको कोट की स्टिचिंग के, तो आप वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। अब दोस्तों कोट नीचे से अपना राउंड है, तो राउंड कोट के लिए अपने नीचे से कोट की राउंड कटिंग करेंगे, जो फ्यूजिंग है उसको राउंड कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐसे राउंड में करते हुए मार्किंग कर ली है। बाद में दोस्तों आपको कोई पैटर्न या फर्मा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिंपली आप अच्छे से गुलाई नीचे से अभी से कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गुलाई करते हुए कट कर लिया है। अब दोस्तों इसको फ्यूज करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों इसके बाद में मैं दो तरीके से आपको कोट के फैशन कटिंग करना बताऊंगा, एक ठाकुर द्वारा और एक सिंपल। तो आप बाद में बताइएगा कि आपको किस कोट की स्टिचिंग देखनी है, ठाकुर द्वारा वाली या फिर सिंपल फैशन वाली। अब दोस्तों जितना मार्जिन सामने में रखा है, कटिंग किया है, वो उतना रखते हुए इसको चिपका लेना है अच्छे से, इस तरीके से अच्छे से चिपका लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सिंपली कैसे मैं फ्यूज़ कर रहा हूँ, चिपका रहा हूँ, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से चिपकाना है। तो दोस्तों एक साइड का चिपक चुकी है पेस्टिंग फ्यूजिंग, अब दूसरी साइड में भी उसी तरीके से चिपका लेना है। ऐसे रखा दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई धागे वगैरह या कुछ भी ऐसा ना आए कि जो सामने में बाद में कोट में दिखना लग जाए। तो बिल्कुल साफ़ करते हुए आपको इसको चिपकाना है दोस्तों, उतना ही मार्जिन सामने में छोड़ते हुए फ्यूजिंग चिपका लेनी है और बिल्कुल प्रॉपर उसके बराबर ही इसको चिपकाना है। ऐसे करते हुए यहाँ पर ये अंदर की साइड में जा रहा है, तो इसको थोड़ा कट कर दें ताकि बाद में जो पैनल जोड़ेंगे साइड पीस, तो वो सही से जुड़ जाए और उसकी चराई आसानी के साथ हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड में फ्यूजिंग चिपका ली है मैंने। अब आगे आपको मैं इसके फैशन कटिंग करना बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चिपक चुकी है फ्यूजिंग, दोनों साइड में लग चुकी है फ्यूजिंग। तो चलिए अब मैं आपको फैशन की कटिंग करना बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है, जो कोट कटिंग करने के बाद में जो साइड में पीस बचा हुआ है वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक नंबर तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको सिंपल फैशन कटिंग करना बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कपड़ा रख लिया है, इसके ऊपर कोट का सामना रख रहा हूँ इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से करते हुए रख रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, इसके लिए मार्का लगा लेना है, और नीचे भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेना है, उसके लिए भी मार्किंग कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, अब दोस्तों 5.25 इंच या 5.5 इंच की पॉकेट आएगी, तो यहाँ पे परली साइड से अपने यहाँ पे इंची टेप रखा ऐसे, और यहाँ पे 5.25 इंच पे निशान कर लेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा नहीं है कोट, थोड़ा छोटा है, इसलिए 5.25 इंच की पॉकेट बहुत रहेगी। और नीचे दोस्तों फैशन चौड़ा रहेगा 3 इंच, और ऊपर जो गले वाला है मार्का उससे 1.5 इंच चौड़ा रहेगा फैशन ऊपर की साइड में। और यहाँ पे ऊपर की साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इस साइड में बिल्कुल बराबर में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से दोस्तों। इस साइड में बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, नीचे बस थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि बाद में आपका फैशन छोटा ना हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेते हैं। यहाँ पे जो नपेल मुड़ेगी अपनी उसके लिए कट लगा लेंगे। अब दोस्तों आप एक बार फिर से देखिए, पहले तो यहाँ पे ऐसे देखिए कि 3.5 इंच नीचे और यहाँ पे 5.25 इंच के लिए अपने ये मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ अपने सिंपल फैशन की कटिंग कर लेते हैं। ऊपर गले से 1.5 इंच चौड़ा है, नीचे 3.5 इंच तक चौड़ा रख सकते हैं, बट मैंने इसमें 3.25 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो। नीचे पॉकेट कैसे रखी जाती है फैशन में, वो मैंने आपको समझा दिया है, अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये एक फैशन कट चुका है, अब दूसरा तरीका बताऊंगा आगे आपको। तो चलिए दूसरा फैशन कटिंग करना बताते हैं। तो दोस्तों अब कपड़ा लिया आपने जो कोट की कटिंग के बाद में बचा हुआ है साइड में ऐसे, अब इसमें मैं आपको ठाकुर द्वारा फैशन यानी कि दूसरा तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को रख लिया है, इसके ऊपर दूसरे कोट का मैं सामना रख रहा हूँ,
ऐसे सामना रखा कोट का ऊपर, लगभग ऊपर आधा इंच रहना चाहिए कपड़ा एक्स्ट्रा, ताकि बाद में कम ना पड़े। अब इसमें भी ऊपर डेढ़ इंच रख लेना है गले की साइड से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको 3 इंच और 3.5 इंच जो ठाकुर द्वारा रहेगा चौड़ा यहाँ पे, तो 3.5 इंच पे मार्का कर लिया। अब इस तरीके से दोस्तों इसको कटिंग कर लेंगे, ऊपर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए, और इस साइड में बिल्कुल बराबर करते हुए कटिंग करना है। ऐसे करते हुए बिल्कुल बराबर में कट कर लेना है, और यहाँ पे नपेल मुड़ेगी उसके लिए कट कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे देखिए, मैं एक बार वैसे मार्किंग लगा के दिखा देता हूँ आपको, उसी तरीके से लगभग 3.5 इंच नीचे चौड़ा कटिंग करना है ऐसे। अब दोस्तों इसको मैं हटा लेता हूँ, और अब ये जो मार्किंग है इनको सीधा खींच लेंगे इस तरीके से और ऐसे, और अब इनका सेंटर बना लेंगे। पहले दोस्तों इस तरीके से 6 फट्टी को ऊपर रखते हैं और ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, और नीचे जो 3.5 इंच वाला एक निशान लगाया है उस पर ऐसे रखा और ये मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों इनके बीचों बीच एक मार्किंग करेंगे, तो 3.5 है, 1.25 इंच पे ये मार्किंग आई, और इसको भी सीधा खींच लेंगे। अब दोस्तों सामने से अपने 3.5 इंच या 4.25 इंच छोड़ते हुए 5 इंच की इसमें पॉकेट लगा देंगे। दोस्तों छोटे नाप के हैं कोट, तो इसलिए इतना ही पॉकेट लगेगा, और ऐसे इनको राउंड कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है, ऐसे कुछ ठाकुर द्वारा आपने कट किया जाता है। आप चाहो तो दोस्तों ठाकुर द्वारा जो पॉकेट वाली जगह है वो आप कम भी छोड़ सकते हो थोड़ी, इससे लगभग 2.5 इंच या फिर 2.75 इंच। अब दोस्तों नीचे से मैं इसको सीधा कट कर लेता हूँ, नीचे अपने ठाकुर द्वारा में जोड़ आएगा, तो यहाँ पे मैं लंबाई में जोड़ डाल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों कपड़े को सही करते हुए रख लेना है आपको इस तरीके से, और इसके बाद में इसको कट कर लेंगे। ऐसे एक बार फिर से मैं सामने को ऊपर रखता हूँ, इस पर मैं मार्किंग फिर से कर लेता हूँ। ऐसे करते हुए नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा रखा और 3.5 इंच चौड़ा नीचे फैशन कटिंग कर लेना है। अब इस लाइनिंग को पूरा खींच लेता हूँ इस तरीके से, और इसको भी सीधा कर लेता हूँ। अब इसको ऐसे कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको इस साइड से आप ऐसे करते हुए राउंड कट कर लीजिए। दोस्तों अब आप बताइएगा कि मैं कौन से तरीके से आपको कोट स्टिचिंग करना बताऊं, जिसमें ठाकुर द्वारा यूज़ होगा वो वाला, या वो वाला कि जिसमें सिंपल फैशन लगेगा। तो दोस्तों इसको मैंने सही कर लिया है, मार्जिन जितना रख लिया है कि जितना अपने जोड़ना है। यहाँ पे ये कुटके इसलिए लगा रहा हूँ कि अपने पता रहे कि ये इस साइड से ऐसे जुड़ेगा, और ये लाइनिंग लगा देता हूँ कि ये पैटर्न है इसका है। अब दोस्तों इसके ऊपर ऐसे एक बार फिर से रखा और इस साइड में कोट के बिल्कुल बराबर तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ठाकुर द्वारा की भी कटिंग हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर